एग्जिट पोल में अगर 290 प्लस या 355 या 400 पार अब की बार मोदी सरकार का नारा था, तो अब की बार राहुल गांधी की सरकार ने भी वही चीज़ करके दिखाई है। डेमोक्रेसी तो है, हमारा लोकतंत्र अभी सही तरह से चल रहा है। भारतीय जनता, जो भारत की जनता है, वो देख सकती है उसे क्या चाहिए। मोदी सरकार थी वो एक कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाली सरकार थी, वहीं कांग्रेस की जो पॉलिसीज जो हम सुनने में आते हैं वो एक सोशलिस्टिक वाली है। जी देखिए, राहुल गांधी की अपील को डेफिनेटली लोगों ने माना है और आज के चुनावी नतीजे में ये देखने को हमें मिला है कि राहुल गांधी की जो बात थी वो लोगों ने सुनी है। देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है, लोकतंत्र जीत गया है। भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, कितना विश्वसनीय है, ये आज के चुनावी नतीजों ने बता दिया है। नए भारत में युवा क्या सोचता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल तो पूरी तरह से एनडीए की सरकार दिखा रहा था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। क्या लगता है कि कहीं जो देश का जनमानस है उसको एग्जिट पोल वाले समझ नहीं पाए? एग्जिट पोल की गलती नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सारा खेल मीडिया का था। पहले से ही मीडिया ने ये चीज़ दिखाई ताकि लोगों को पहले से ही उम्मीद टूट जाए कि कांग्रेस कभी अपनी सरकार और पावर में आ ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा आज के नतीजों के अकॉर्डिंग देखकर हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो कि आज हमें दो जगह, जैसे आज हमें अलग अलग जगहों पर भी जाकर पता लगा, बाहर के लोग कुछ और कह रहे थे, अंदर के यहाँ पर कुछ और चल रहा था। एग्जिट पोल में अगर 290 प्लस या 355 या 400 पार अब की बार मोदी सरकार का नारा था, तो अब की बार राहुल गांधी की सरकार ने भी वही चीज़ करके दिखाई है। बेशक वो अपने नतीजों पर नहीं पहुंच पाए, बट उन्होंने फिर भी बहुत ही मजबूत पकड़ के साथ अपने चुनावी आयोग के साथ काम किया है। अपनी बात को मजबूती से राहुल गांधी ने रखा है और जनता ने उस पर भरोसा किया है। आपने भी भरोसा राहुल की न्याय गारंटी पर किया या मोदी की गारंटी पर किया? मैं ये समझना चाहता हूँ कि हर चुनाव में एक बात आती है कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ईवीएम पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन आज के जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं लगता है कि कहीं ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ हुई या क्या हुआ, कैसे देखते हैं? आज के नतीजों से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ईवीएम के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई हो। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि बीजेपी कह रही थी कि 400 पार जाएंगे इस बार, ये सब होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पर भी उतनी ही मतों से हमारी कांग्रेस जीत सकती थी, जो कि नहीं जीत पाई वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पूरी टक्कर दी है एज अ ऑपोजिशन। तो हम देख सकते हैं कि अभी डेमोक्रेसी तो है, हमारा लोकतंत्र अभी सही तरह से चल रहा है। भारतीय जनता, जो भारत की जनता है, वो देख सकती है उसे क्या चाहिए। तो मुझे लगता है अभी लोकतंत्र है। सरकार किसकी बनेगी, क्या कुछ लगता है, कुछ आपकी कोई संभावना, आप कैसे सोचते हैं? संभावना के हिसाब से तो बीजेपी ही लगता है कि आएगी, एनडीए की सरकार ही आएगी। लेकिन जिस हिसाब से इस बार ओपोजिशन ने काम किया है कि अपना, उसने 10 साल के बाद जो निकल कर आई है ओपोजिशन, चाहे जिनकी भी अलायंस के साथ हो, वो बहुत अच्छा काम निकला है। तो देखा जाए वैसे तो एनडीए ही लग रहा है जिस हिसाब से। गांधी ने सीधा कहा है कि देखिए अडानी और मोदी का किस तरह का रिश्ता है, जैसे ही मोदी चुनाव में हारे तो सेंसेक्स भी गिरा, क्या है उनका घाटा हुआ है, आप कैसे देखते हैं पूरे चुनावी नतीजों? आपका सबसे पहला सवाल जो सेंसेक्स वाला है, सी जो मोदी सरकार थी वो एक कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाली सरकार थी, वहीं कांग्रेस की जो पॉलिसीज जो हम सुनने में आते हैं वो एक सोशलिस्टिक वाली है। और मोदी सरकार की जो बड़ी गारंटियाँ यही थी कि वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेगी बहुत बड़ा, लेकिन कांग्रेस ने उसके उलट सोशलिज्म वाली पॉलिसी को अपनाया, देश की जनता की नब्ज़ को पकड़ के। तो मार्केट का क्रैश होना इसी को यही दर्शाता है कि सोशलिज्म का राइज देश में कहीं दोबारा वापस हो ना जाए और देश में इंफ्रा पुश जो अभी चल रहा है वो कहीं कम ना हो जाए, तो इसके एंटिसिपेशन से मार्केट क्रैश हुआ। यही बात अगर इलेक्शन रिजल्ट की अगर मैं बोलूँ तो देखिए, हमारी जो देश की जनता है वो बड़ी बोली है। हम अगर देखें 2009 में कांग्रेस 209 सीटें लेके आई थी, 2014 में 44 पे रह गई, क्रैश हो गई थी। बीजेपी 303 सीटें आई थी खुद की उस पर बलबूते पे, लेकिन आज खुद की बहुमत भी नहीं बना पा रही। तो देश की जनता बोली है, देश की जनता को अगर हम बोलेंगे कि भाई हम आपके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र करेंगे तो जनता अपना वोट भी ट्रांसफ़र कर देती है। ये इसका एक एनालिसिस देखा जा सकता है, बहुत लोग इसे सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कांग्रेस की न्याय गारंटी पर तो जनता ने भरोसा किया है, लेकिन केजरीवाल की जो मुफ्त की गारंटी थी बिजली बिल, उस पर भरोसा नहीं किया? जी, केजरीवाल की जो मुफ्त की गारंटी वाली जो स्कीम्स है जो उन्होंने दिल्ली से इंप्लीमेंट करके पूरे देश में फॉलो हो रही है,
ये स्कीम कहीं ना कहीं जाके आपके घर को तो फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन अब आपको जो रोज़गार चाहिए होगा, आपको जब कमाई करनी होगी, आपको एक अंदर से लगना चाहिए ना कि भाई मेरे पास भी एक नौकरी है, पक्की नौकरी, स्टेबल नौकरी, वो चीज़ कहाँ से होगी? हम सरकारी नौकरी के पीछे तो हमेशा नहीं बैठ सकते। वी नीड इन्वेस्टमेंट, वी नीड एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। वो रिजर्वेशन से भी सॉल्व नहीं हो सकती, वो फ्री बिजली और राशन से भी सॉल्व नहीं हो सकती। चलिए, एक तो तस्वीर इन नतीजों से सामने आई है कि जो केजरीवाल की राजनीति है वो हाशिए पर चली गई है और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में अभी तक उभर कर आ रहा है। क्या नाम आपका? वेदांश अग्रवाल। अच्छा वेदांश, क्या करते हैं आप? मैं बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट था, मेरी डिग्री अभी कंप्लीट हो गई है, अब मैं एलएलबी के लिए इनरोल कर रखा हूँ। अच्छा, इस पूरे चुनावी नतीजों में एक जो बात यहाँ कही थी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ये बदलाव, क्या ये बदलाव हुआ है या फिर राहुल गांधी की अपील को लोगों ने माना है? जी देखिए, राहुल गांधी की अपील को डेफिनेटली लोगों ने माना है और आज के चुनावी नतीजे में ये देखने को हमें मिला है कि राहुल गांधी की जो बात थी वो लोगों ने सुनी है और मानी है। कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ा सा घमंड आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने पहले 300 पार का नारा दिया, वो तो हो गया, लेकिन अब की बार उनको ज़्यादा ही उम्मीद थी उससे और अपोजिशन को वो लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन अपोजिशन ने अब की कड़ी टक्कर दी है और बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो 300 पार भी नहीं कर पाई है। ये इन्होंने एक पूरे, किसको कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, और जो जनता का मूड था कि 400 पार का नारा क्या बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया है, इस पर भी चिंतन होगा। और दूसरा, एक बहुमत वाली जो सरकार है, जिसको मजबूत बहुमत, उस पर जनता ने मोहर नहीं लगाई, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, जो ये नतीजे बता रहे हैं। आगे की भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। एग्जिट पोल में अगर 290 प्लस या 355 या 400 पार अब की बार मोदी सरकार का नारा था, तो अब की बार राहुल गांधी की सरकार ने भी वही चीज़ करके दिखाई है। डेमोक्रेसी तो है, हमारा लोकतंत्र अभी सही तरह से चल रहा है, भारतीय जनता, जो भारत की जनता है वो देख सकती है उसे क्या चाहिए। मोदी सरकार थी वो एक कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाली सरकार थी, वहीं कांग्रेस की जो पॉलिसीज जो हम सुनने में आते हैं वो एक सोशलिस्टिक वाली है। जी देखिए, राहुल गांधी की अपील को डेफिनेटली लोगों ने माना है और आज के चुनावी नतीजे में ये देखने को हमें मिला है कि राहुल गांधी की जो बात थी वो लोगों ने सुनी है।